हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2019 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23 डिस्कस करेंगे। ये हमारा करंट अफेयर क्रैश कोर्स है, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस क्रैश कोर्स में आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। ये टेस्ट सीरीज़ है यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के लिए। आप इसका भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट देन आंसर सी पार्लियामेंट assumes the power to legislate on the subject in the state list। तो जब आर्टिकल 356 का मतलब हो गया प्रेजिडेंट रूल, तो जब प्रेजिडेंट रूल लगता है तो जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर रह जाती है कि वो किसी भी जो स्टेट लिस्ट है जिस स्टेट में ये प्रेजिडेंट रूल लगा हुआ है उस पर ये कोई भी लॉ बना सकता है। जो प्रेसिडेंट रूल है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है फंडामेंटल राइट पे, तो फंडामेंटल राइट एज इट इज मेंटेन रहती हैं इन द प्रेसिडेंट रूल। द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन वैलिड इन अ स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ आंसर सी 3 ईयर्स। तो ये प्रेसिडेंट रूल 3 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। मनी कैन बी एडवांस्ड आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर बाय द आंसर बी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है मनी निकाल सकता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, और ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल 267 के अंदर मेंशनड है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आंसर डी द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पार्ट 5 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें यूनियन मेंशनड है, और यूनियन में चैप्टर 1 है वो एग्जीक्यूटिव से रिलेट करता है। एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के लिए, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें कुछ इवेंट दिए गए हैं, फर्स्ट हंटर रिपोर्ट, सेकंड होम रूल मूवमेंट, थर्ड जलियांवाला बाग मैसेकर और फोर्थ रॉल्ट एक्ट। तो इसका आंसर है आंसर ए 2, 4, 3, 1। तो होम रूल आया पहले, फिर रॉयल्ट एक्ट आया, जलियांवाला बाग, हंटर रिपोर्ट। तो इसका ये सीक्वेंस है। तो जलियांवाला बाग और ये रॉयल्ट एक्ट 1919 में हुआ था, तो इस तरह से इसका ये सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है। हेनरी विवियन डेरिजियो स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट विद द इंस्पिरेशन ऑफ विच रेवोल्यूशनरी आइडियाज आंसर ए फ्रेंच रेवोल्यूशन। द कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन द मिड 19th सेंचुरी इज आंसर डी वेस्टर्न पंजाब। तो कूका मूवमेंट है 1840 में स्टार्ट हुआ था, और इसको जो जिसने स्टार्ट किया था वो थे भगत जवाहर माल, जिनको सियान साहेब के नाम से भी जानते हैं। विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट आंसर डी ऑपरेशन थंडरबोल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड अंडर द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आंसर ए वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द इक्विपमेंट्स। द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनीन इज मेड फ्रॉम प्लांट, द प्लांट इज चिनचोना।
टू सस्पेक्ट एच आई वी एड्स इन अ यंग इंडिविजुअल विच वन अमंग द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्टली एसोसिएटेड विद. आंसर सी क्रोनिक डायरिया. एन एल्डरली पर्सन वाइल ट्राइंग टू रीड अ बुक एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज फाइंड द इमेज अपीयर ब्लर्ड बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड द लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस. दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉल्ड. आंसर डी प्रेस बायोपिया. तो ये जो स्लेरी मसल जो इस लूज़ हो जाती है और इसमें जो इंसान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है तो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं. मायोपिया का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस. मतलब इसमें क्या होता है कि आप पास का तो कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से देख सकते हैं लेकिन आप दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते. और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है. ये लॉन्ग साइटेडनेस होती है. इसमें आप दूर के ऑब्जेक्ट फिर भी क्लियरली देख लेते हैं लेकिन आप पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते. और एस्टिमेटिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्फेरिकल कर्वेचर होता है उसमें डेविएशन आ जाता है. तो ये इसमें ये होता है. तो इसका आंसर हो गया आंसर डी. व्हाई आर प्रेग्नेंट वुमेन रिकमेंडेड सब्सटेंशियल इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन देयर डाइट स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. आंसर सी दे आर रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डी एन ए सिंथेसिस. तो फॉलिक एसिड का रिसोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसलिए इनको रिकमेंड किया जाता है. इन विच ऑफ द अवब आर रूट्स यूज एज वेजिटेबल. तो ये कुछ रूट्स दे रखी हैं. तो ये एज अ वेजिटेबल कौन सी यूज होती हैं, पटेटो, रेडिश, टर्निप और यैम. आंसर बी 2, 3 and 4. तो रेडिश, टर्निप और यैम यूज एज अ वेजिटेबल. फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर टू मैन. आंसर ए डॉल्फिन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ये कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं, उनको स्टेट से मैच कर दे रखा है. तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. आंसर सी रणथंभौर नेशनल पार्क है, वो गुजरात से करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है ना कि गुजरात में. और ये रणथंभौर नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है और कान्हा नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है और बांदीपुर भी एक टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटका में है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड. आंसर बी गोरखपुर. वेयर इज द ओल्ड एंड ओवर 2 kilometers लॉन्ग पंबान रेलवे ब्रिज विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. आंसर सी पालक स्ट्रेट. तो पालक स्ट्रेट जो इंडिया का तमिलनाडु स्टेट है और जो मन्नार है श्रीलंका का, तो उसके बीच में जो स्ट्रेट है वो पालक स्ट्रेट है. अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ द सदर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये कुछ हिल दे रखी हैं, नीलगिरी, कार्डमम एंड नलमला और एनमलाई हिल्स. इसको नॉर्थ टू साउथ में आपको अरेंज करना है. आंसर ए 3, 1, 4, 2. तो नलमला, फिर उसके बाद नीलगिरी एंड अनमलाई एंड देन कार्डमम. तो जो नलमला हिल्स है वो ईस्टर्न घाट्स में है और ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के मतलब में पड़ती है. और ये जो जितनी भी बाकी हिल्स हैं, नीलगिरी हो गई, कार्डमम हिल हो गई, अनमलाई हिल्स हो गई, ये सारी वेस्टर्न घाट्स में पड़ती हैं. इफ इंडिया अडॉप्ट 2 time zones based on 75 degrees east meridian for western India and 90 degrees east meridian for eastern India, which among the following state of eastern India will be benefited most?
आंसर सी असम। तो अभी जो हम जो अपना आईएसटी जो लेते हैं वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो जब अगर ये 90 डिग्री ईस्ट हो जाएगा तो अभी क्या होता है कि जो असम है उसमें मतलब सन तो बहुत जल्दी राइज हो जाता है, लेकिन जो 82.5 उनका डिग्री सेल्सियस जो आईएसटी है उसकी वजह से जो उनका डे की पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लेट में स्टार्ट होती है। इसकी वजह से उनका सुबह का काफ़ी टाइम जो वेस्ट हो जाता है और उनका सन जो सेट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो उनको उनको बहुत कम वर्किंग आवर्स जो उस तरह से मिलते हैं। जब 90 डिग्री ईस्ट हो जाएगा तो ये ज़्यादा क्लोज़र हो जाएगा और आसाम को ज़्यादा टाइम मिल पाएगा और इनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। फेमस पोयम झांसी की रानी रिटन बाय, आंसर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। द ऑथर ऑफ अनामिका, आंसर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा मॉक टेस्ट यहीं फिनिश होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।